वकील एकता जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा, जो हमसे देखिए जी, मामला बड़ा गंभीर है। पुलिस वाले से अधिवक्ता बहुत परेशान है, आए दिन पुलिस वाले अधिवक्ता को परेशान करते हैं। हमारे एक सीनियर अधिवक्ता विजय मिश्रा जी, उनकी बहन की सास की डेथ हो गई थी, तो अपने मिसेज को लेकर बैठने के लिए जा रहे थे। ये महादेव नाम का ईसाई इनको मिला, इन्होंने कहा भाई ऐसी बात हो गई, हेलमेट नहीं पहन गया, उनके साथ बदतमीज करी, गाड़ी की चाबी निकाल ली, बोले ऐसे कई वकील देखे, जाते रहो जो करना कर ले। इसी बात को लेकर वकीलों में एक्रोश था। हम एस पी साहब से मिले, एस पी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि मैं उसको बुला के उससे पूछता हूँ, कार्रवाई करता हूँ। कल 11 बजे एस पी साहब ने हमें बुलाया, अगर कल 11 बजे वकील साहब एस पी साहब सही कार्रवाई करते हैं वरना ठीक है, वरना हम जनरल बुला के जो जनरल करेंगे उस जनरल कार्रवाई करेंगे। मैं अध्यक्ष मोहन चिराठ जिलाबाद से। अंडर ट्रेनिंग कोई पुलिस का सब इंस्पेक्टर है वो जबरदस्ती से महिलाओं के साथ ज्यादती करते हैं, कोई मजदूर महिला मिलकर उनके साथ ज्यादती करते हैं, हेलमेट के नाम पे ज्यादती करते हैं। हम कहते हैं आपका लीगल बोल रहा है चालान कर दो ठीक है, लेकिन आप किसी की बदतमीजी माँ बहन की गाली धक्का मुक्की तो नहीं कर सकते हो आप। ये कौन सा कानून कहता है धक्का मुक्की करोगे आप, किसी की बदतमीजी बेइज्जती करना कौन सा कानून कहता है? आपका कानून कहता है चालान करना चालान कर दीजिए, लेकिन बदतमीजी किसके साथ कर सकते हो? किसी वकील सम्मानित वकील साहब को रोका, बदतमीजी की वकील साहब के साथ में और उनकी मिसेज साथ थी, किसी मौत में जा रहे थे, उनको वहां से रोका और बदतमीजी की चालान बनाया और मारपीट की धक्का देकर गिरा भी दिया उनको। इस तरह से पुलिस वाले असम्मानजनक व्यवहार वकीलों के साथ करेंगे तब तक बर्दाश्त करेंगे। इसी मांग को लेकर एसपी साहब को ज्ञापन दिया और कल तक का टाइम दिया है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं होती है तो वकील खुद प्रसंज्ञान लेंगे और उस प्रसंज्ञान के जो परिणाम होंगे वो एसपी साहब और पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा अजमेर का, और वकीलों को हल्के में नहीं ले। अगर हल्के में लेंगे एसपी साहब तो सोच समझ कर और विचार करें, वकील को हल्के में नहीं है। एसपी साहब ध्यान रखें। प्रकाश मीणा एडवोकेट। कौन है जिस